हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलआईसी फ्लो। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। ब्रैकेट ऑर्डर है क्या और ये कैसे प्लेस किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी एलआईसी ब्लू ने ब्रैकेट ऑर्डर लॉन्च किया है इन एमसीएक्स में, तो ये ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ये ब्रैकेट ऑर्डर का साथ कैसे ट्रेडिंग करना है, उसका ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम जान लें ब्रैकेट ऑर्डर क्या है। तो ब्रैकेट ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तो उस समय एक ही साथ में आपका टारगेट जो होता है, जैसे आपने 1 रुपया या जिंक में जैसे 1 रुपया या 80 पैसा 50 पैसा कोई भी लेना है, तो वो जो टारगेट है एक साथ में आप टारगेट भी प्लेस कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कितना स्टॉप लॉस कितना आप लेना है। तो अगर आपने जैसे 1 रुपया, सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो जिंक में आपने 1 रुपया प्रॉफिट के लिए टारगेट डाला, तो वहाँ पे आप शायद सपोज आप 50 पैसा एसएल लगा सकते हैं, तो एक साथ में वो दोनों एक ही साथ में प्लेस हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप जैसे जैसे आपने ब्रैकेट ऑर्डर डाल के प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो सपोज आपका जो टारगेट था वो हिट हो गया, ठीक है, सडनली जो आपका एसएल था वो एसएल ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इसलिए बहुत एडवांटेज है टू ट्रेडिंग करने के लिए। और उसका साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है हम चार्ट में दिखाएंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेलिंग जब ब्रैकेट ऑर्डर डालेंगे तो ट्रेलिंग में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे अगर मार्क करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता है, तो ये एक्चुअली होता है क्या है, जब जहाँ पे आपने एसएल लगाया, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया आपका, आपने बाय लगाया तो नीचे में एसएल लगा दिया, तो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपका एसएल था वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो कैसे आएगा, वो कितना आएगा, वो मैं आपको चार्ट में दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं एलआईएस ब्लू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट लिया, तो क्रूड ऑयल का चार्ट, तो इसमें आपका, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ऑर्डर कैसे डालेंगे। तो सपोज आपने क्रूड ऑयल अभी बाय करना है या सेल करना है कोई भी हो, तो आप यहाँ से दो तरफ आप ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर, तो बाय करना है तो आप सीधा यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑर्डर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप सेल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बाय सेल, ठीक है। और अगर सेल करना चाहता है तो ब्रैकेट ऑर्डर में चाहिए ब्रैकेट ऑर्डर, यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर सेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे जो क्लिक किया, तो यहाँ पे आप शिफ्ट दबा के बाय के लिए F3 दबाने से ब्रैकेट ऑर्डर आता है, राइट। तो जैसे सेल करना है तो इसलिए शिफ्ट दबा के F4 दबाने से भी ब्रैकेट ऑर्डर आता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर वो शॉर्ट की आपको पता नहीं, तो ऑप्शन में जाइए, ये ऑर्डर में जाइए, तो ब्रैकेट ऑर्डर में जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं बाय के लिए शिफ्ट प्लस F3, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और एक तरफ है, अगर ब्रैकेट ऑर्डर के लिए आप ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आएगा आपका ब्रैकेट ऑर्डर बाय और ब्रैकेट ऑर्डर सेल, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ब्रैकेट ऑर्डर बाय सेल कर सकता है। तो सपोज आपने चार्ट निकाल दिया, ये क्रूड ऑयल मैंने जैसे चार्ट निकाल दिया, तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट ऑर्डर बाय सेल कर सकते हैं। जैसे ये निकला, यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ करेंगे तो डायरेक्ट चार्ट आ जाएगा, चार्ट में ब्रैकेट ऑर्डर आएगा। तो और यहाँ पे चार्ट निकाल के आप शिफ्ट F3 दबा के भी ब्रैकेट ऑर्डर निकल सकता है। यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ ये ब्रैकेट ऑर्डर, और ये ब्रैकेट ऑर्डर है क्या और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे आपने ब्रैकेट ऑर्डर में देखा ही है ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा MCX एक्सचेंज, कौन सा है MCX, ये तो ऑटोमेटिक आता है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट निकाला तो ऑटोमेटिक ये क्रूड ऑयल ले लेगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे मैंने दबाया तो ऑटोमेटिक क्रूड ऑयल ले लेगा, जैसे ये अभी क्रूड ऑयल का लिया हुआ है। तो लीड लेना है तो डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो लीड ऑटोमेटिक ले लेता है, उसका
एक्सपायरी डेट और जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका ले लेता है, तो इतना देखने के लिए जरूरत नहीं। लेकिन आप जब शर्ट में डालेंगे तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल लिया, तो ये ऑटोमेटिक क्रूड ऑयल का ले लेता है। अगर दूसरा स्क्रिप्ट बाय करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्रूड ऑयल मैंने निकाला, तो क्रूड ऑयल को मुझे बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सॉरी शिफ्ट F3 दबा दिया तो ऑटोमेटिक आ गया क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं ये जो आता है ये एक्सचेंज का आ जाता है, जैसे क्रूड ऑयल M6 का, ठीक है। और इसमें आ जाता है फ्यूचर और ऑप्शन, ऑटोमेटिक आ जाता है फ्यूचर में। और यहाँ पे स्क्रिप्ट जो क्रूड ऑयल का चार्ट खुला हुआ है, तो क्रूड ऑयल का आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सपायरी डेट, अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का बाय करना चाहता है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले जब क्लिक करेंगे आप करंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो ये आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन तो ब्रेकेट ऑर्डर ऑटोमेटिक आपका ले लेगा यहाँ डेली, क्योंकि ब्रेकेट ऑर्डर आप दिन के लिए ही है, तो होल्डिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकता ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पे आपने क्लोज नहीं किया और आपका जैसा टारगेट भी गया नहीं और SLB नहीं ही गया, तो जब मार्केट क्लोज होने से पहले ये साथ साथ ब्रेकेट ऑर्डर भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिन के लिए ब्रेकेट ऑर्डर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ये ऑटोमेटिक लेता है, जैसा अभी प्राइस है यहाँ पे बाय करेंगे तो ये 5355, तो आप ये जो 5 3 6 ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ऑटोमेटिक बाय ले लेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर कुछ नहीं करना है, तो ये डिस्क्लोज क्वांटिटी तो ये अलग सा है। इसका मतलब पहले आपने बाय करके रखा, तो अगर सपोज आपने 10 क्वांटिटी बाय करके रखा, उनमें से आपने 5 क्वांटिटी ऑर्डर क्लोज करना है, तो इसके लिए ये ऑप्शन इतना ये नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे और एक है एब्सोल्यूट बोल के, तो इसको कैसे डाला जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ ऑफ सेल, ठीक है। तो मतलब आपने अभी ये करंट प्राइस है, तो इसमें आपने बाय करना चाहता है, ठीक है। तो ये प्राइस है, ये प्राइस में बाय ले लेगा, जो अभी प्राइस रनिंग है तो बाय ले लेगा। तो स्क्वायर ऑफ सेल, तो आप कहाँ जो बाय किया था आपने सेल करना चाहता है, ठीक है। उसका ऊपर मैं दिखाएंगे, अभी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन सपोज मैंने यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ मुझे ये एग्जैक्टली 5366.50 में मुझे सेल करना है। तो डेट मीन्स ये जो ऑप्शन है इसका टारगेट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 55 और 65 10 पॉइंट है, राइट। यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट में आपको बुक प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा इसमें 10, राइट। ये है 10 पॉइंट। अगर यहाँ अगर मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, तो जैसे 5366, तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टॉप लॉस। सपोज यहाँ पे देखा आपने ये रेजिस्टेंस लाइन प्रीवियसली देखा, तो यहाँ इसका नीचे में आपको एक SL लगाना है। तो आपने यहाँ पे बाय किया तो SL, तो यहाँ कितना पॉइंट, सपोज यहाँ पे भी आपका 10 पॉइंट है, आप यहाँ पे 10 डालना, 10 डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं डालना है। जैसे टारगेट में हमें प्राइस नहीं डालना, SL में भी आपको प्राइस नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है, कितना पॉइंट लेंगे। तो आपने 10 पॉइंट लेगा तो 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 20 पॉइंट लेगा तो 20 पॉइंट लेना पड़ेगा SL। 10 पॉइंट रखा मैंने SL, इसलिए 10 लेना पड़ेगा। और ये ट्रेलिंग SL है, सपोज आपने टेलिंग एसएल में क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे टेलिंग पॉइंट डालना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने बाय किया था, तो मैंने ड्रॉ कर देता लाइन, ये ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सपोज बाय किया था, ठीक है, मेरा बाइंग पॉइंट ये है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग सपोज मैंने डाल दिया 1, ओके। तो डेट मीन्स क्या है, जब ये प्राइस ऊपर जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये जो ट्रेलिंग था ये भी ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे
5 points चला गया, तो यहां से अभी देख सकते हैं आप क्या कितना है, 5344, ठीक है। तो 5 point अगर यहां से ऊपर चला गया तो ये भी 5 point ऊपर चला जाएगा, तो तब उसका ट्रेलिंग कितना होगा, 5349, मतलब ये ऑटोमेटिक ऊपर निकल जाएगा। अगर इनकेस मार्केट सपोज आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, फिर से 9 तक गया, ठीक है, 9 point गया और 1 point नहीं गया, तो ये भी ऑटोमेटिक 9 point ऊपर निकल जाएगा, जो पहले ऑर्डर किया था उसका पास चला जाएगा। और अगर मार्केट फिर से ये नीचे आएगा, और ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस हमने नीचे में डाला था जैसे 5344, वो ऊपर निकल के 5354 का आसपास चला जाएगा, और मार्केट नीचे आने से भी ये ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस था आपका वो नीचे नहीं आएगा, इधर ही फिक्स होके रुक जाएगा, और आपका लॉस होने से आपको बचा देगा, ठीक है। ये है बेसिक ब्रैकेट ऑर्डर का एडवांटेज है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।